नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ पीजी और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए नामांकन को लेकर न्यूज़ है, सीए एग्ज़ाम को लेकर न्यूज़ है, डीएलएड और स्कॉलरशिप और सिम्स बिलासपुर का जो मेडिकल कॉलेज है उसको भी लेकर न्यूज़ है। तो बहुत सारी और भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो वही आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्तों राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली खबर लेते हैं, नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को पोस्ट ग्रेजुएशन और सेमेस्टर एग्जाम के स्टूडेंट के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया। इनरोलमेंट यानी कि नामांकन 11 से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेंगे। रायगढ़ और जांजगीर जिले के कॉलेज में पढ़ने वाले पीजी और डिप्लोमा कोर्स के लिए स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पहली बार शामिल हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी के पोर्टल sfpb.in में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दूसरे यूनिवर्सिटी से आए स्टूडेंट को भी नया इनरोलमेंट नामांकन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। नामांकन प्रक्रिया के लिए ऐसे स्टूडेंट ₹300 फीस देना होगा। इसके बाद स्टूडेंट को ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसके डॉक्यूमेंट को फिर कॉलेज में दाखिल करना आना पड़ेगा। वर्ष 2019-20 और 2020-21 में जो स्टूडेंट अटल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन से पास आउट हुए हैं उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नामांकन कराने के लिए फीस नहीं लगेगा, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी द्वारा यूजर आईडी और इनरोलमेंट मैपिंग के माध्यम से जानकारी देनी होगी। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें कोई फीस नहीं लगेगा, ऑनलाइन प्रोसेस में शामिल होकर जानकारी सही देना होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए दिसंबर 2021 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। इसमें एग्जाम सेंटर्स, परीक्षा अधिकारियों और एग्जाम के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के बारे में जानकारी शामिल है। उम्मीदवार ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ सकते हैं। ICAI देश भर के 192 जिले में 5 दिसंबर से 20 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित करेगा। COVID-19 महामारी के मद्देनजर ICAI ने एग्जाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किए हैं। एग्जाम के एडमिट कार्ड जल्द ही ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। सुरक्षा सावधानियों और स्वच्छता के आवश्यक मानक को बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड फर्स्ट और सेकंड ईयर मुख्य परीक्षा की रिटोटलिंग के साथ ही रिवैल्यूएशन के रिजल्ट मंगलवार को घोषित कर दिए हैं। परीक्षार्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित डीएलएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट के ग्राह्यता प्रकरण एवं फीस अब ऑनलाइन लिया जाएगा। फीस भुगतान के बाद पोर्टल से हर परीक्षार्थी के ग्राह्यता आवेदन डाउनलोड कर डॉक्यूमेंट के साथ 15 दिनों के भीतर आवेदन 2 प्रतियों में मंडल कार्यालय को भेजना होगा। डीएलएड प्रथम वर्ष में अध्ययनरत स्टूडेंट के ग्राह्यता प्रकरण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने सभी प्रिंसिपल के लिए गाइडलाइन जारी कर दिए है। डीएलएड प्रथम वर्ष के एग्जाम में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के ग्राह्यता प्रकरण एवं निर्धारित फीस पिछले सालों में ऑफलाइन लिए जाते रहे हैं। आगामी 2022 से ग्राह्यता प्रकरण के साथ फीस भी ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। संस्थाओं द्वारा परीक्षार्थियों की पोर्टल में ऑनलाइन एंट्री के बाद ग्राह्यता फीस ₹220, इनरोलमेंट फीस ₹110 एवं परीक्षा आवेदन फीस ₹60 ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। फीस भुगतान के बाद ग्राह्यता आवेदन डाउनलोड कर 15 दिनों के भीतर दस्तावेज के साथ आवेदन 2 प्रतियों में मंडल कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन के परीक्षण के बाद मंडल कार्यालय द्वारा ग्राह्यता नामांकन जारी किया जाएगा। आइए आप देखते हैं कि इसके लिए पात्रता किसे मिलेगी। तो अन्य बोर्ड से हायर सेकेंडरी की एग्जाम में पास आउट स्टूडेंट ग्राह्यता प्रकरण में शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी पास होकर कॉलेज की पढ़ाई कर चुके अर्थात मंडल कार्यालय से माइग्रेशन प्राप्त कर चुके परीक्षार्थी पात्र होंगे। इसके अलावा मंडल से पास ऐसे परीक्षार्थी जिनके द्वारा पढ़ाई में 5 वर्ष का अंतराल लिया हो ये सब पात्र होंगे। दुर्ग जिले में कक्षा 9वीं एवं 10वीं तथा 11वीं से स्नातक और स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन रद्द दिव्यांग स्टूडेंट को सेंट्रल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए दिव्यांग छात्र पोर्टल पर
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर तथा 11वीं से स्नातकोत्तर और स्नातक उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययनरत स्टूडेंट के लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर तक निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग, जिला दुर्ग शिक्षा अधिकारी दुर्ग, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा से संपर्क कर सकते हैं। के कलेक्टर चंदन कुमार ने NIC रायपुर द्वारा तैयार किए गए नवीन पोर्टल पर आरक्षित वर्ग के पात्र स्टूडेंट का पंजीयन एवं वेरिफिकेशन सुनिश्चित करने और स्वीकृत समय सीमा में करने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, DED इत्यादि बच्चे कर सकते हैं। बिलासपुर से खबर है तो मेडिकल कॉलेज सिम्स में PG पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका सीधा फायदा MBBS की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को होगा। नई खबर है कि NMC मतलब नेशनल मेडिकल कमीशन ने स्किन डिपार्टमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन की 3 सीटों को मान्यता दे दी है। नई सीटों को मिलाकर सिम्स में PG की कुल सीटों की संख्या 36 हो गई है। सिम्स में क्लिनिकल सीट बढ़ती जा रही है, जो सिम्स के लिए धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि बनती जा रही है। सिम्स प्रबंधन ने कुछ महीने पहले स्किन डिपार्टमेंट के PG सीट की मांग की थी। अब इसी सत्र से स्किन डिपार्टमेंट में PG की पढ़ाई शुरू होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट में भी 9 सीटें मिली है। तो इसी वर्ष सिम्स प्रबंधन ने सर्जरी, स्त्री रोग, मनोरोग, TB एवं चेस्ट विभाग में PG सीटों की मान्यता के लिए आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद निश्चेतना, मनोरोग, शरीर क्रिया विज्ञान विभाग, चर्म रोग, स्त्री रोग, TB एवं चेस्ट विभाग और सर्जरी विभाग का निरीक्षण NMC की टीम कर चुकी है। निरीक्षण के बाद निश्चेतना विभाग को 4 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम की स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट को 2 और स्किन डिपार्टमेंट को 3 सीटों की मान्यता दी गई, यानी कि इस वर्ष 9 सीटें सिम्स को पोस्ट ग्रेजुएशन की मिली है। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।